हेलो, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, यानी स्किन की संरचना और इसके कार्यों के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें, वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी इस वीडियो को इंग्लिश में देख सकते हैं। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, त्वचा जिसे कभी कभी इंटेगुमेंट्री सिस्टम भी कहा जाता है, हमारे शरीर का सुरक्षात्मक आवरण बनाती है। यह शरीर की कई तरह से रक्षा करती है। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। वयस्कों में इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो 1.5 से 2 वर्ग मीटर तक होता है। त्वचा की दो मुख्य परतें होती हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि त्वचा दो लेयर्स की बनी होती है, एपिडर्मिस और डर्मिस। सबसे पहले हम देखते हैं एपिडर्मिस लेयर के बारे में। एपिडर्मिस त्वचा की सबसे सतही परत होती है और यह स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम से नामक टिश्यू से बनी होती है। एपिडर्मिस में कोई रक्त वाहिका या नर्व एंडिंग्स नहीं होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहां से लेकर स्किन का यहां तक का जो पार्ट है वो एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस चार प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो हैं किरेटिनोसाइट, मिलेनोसाइट, लेंगरहैंस सेल्स एंड मर्कल सेल्स। सो व्हाट आर दीज, वी कैन डिस्कस देम वन बाय वन, एक एक करके हम इसको स्टडी कर लेते हैं। किरेटिनोसाइट सेल्स, सबसे ज्यादा जो संख्या में जो सेल्स हमारी स्किन को बनाती हैं वो किरेटिनोसाइट्स ही हैं। ये चार परतों में व्यवस्थित होती हैं। इसके अंदर ये केराटिन नाम का एक प्रोटीन उत्पादन करती हैं। यह प्रोटीन काफी सख्त, स्ट्रोंग और रेशेदार प्रोटीन है, फाइबरस प्रोटीन है, जो त्वचा को सुरक्षात्मक शक्तियां प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है त्वचा को। दूसरे टाइप की सेल है मिलेनोसाइट्स। मिलेनोसाइट मिलेनिन नाम का एक पिगमेंट सीक्रेट करती हैं, जो हमारी स्किन की त्वचा के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, त्वचा के रंग के लिए ना। तीसरे टाइप की सेल है लेंगरहैंस सेल। ये कोशिकाएं हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होती हैं और रेड बोन मैरो या लाल अस्थि मज्जा से उत्पन्न होती हैं, और वहां से ये एपिडर्मिस में शिफ्ट हो जाती हैं। मर्कल सेल्स संवेदी न्यूरॉन्स की एक जो चयन प्रक्रिया के संपर्क में आ जाती हैं और नर्व एंडिंग्स के संपर्क में रहती हैं, और वहां से सिनेप्सिस उसके साथ बनाती हैं, ठीक है, जिससे जो भी हमारे त्वचा के सेंसेशन है वो रिसीव हो सके और ब्रेन तक पहुंच सके। तो जो सेंस ऑफ टच है वो हमारा मर्कल सेल्स की सहायता से संपन्न होता है। अब आता है कि एपिडर्मिस की लेयर कौन कौन सी है। तो एपिडर्मिस के जो लेयर्स हैं वो हैं स्टेटम बेसल, स्टेटम स्पाइनोसम, स्टेटम ग्रेनुलोसम, स्टेटम ल्यूसिडम और स्टेटम कॉर्नियम। अब इनको हम एक एक करके स्टडी कर लेंगे। सबसे पहले जो लेयर आती है वह स्टेटम बेसल। स्टेटम बेसल एपिडर्मिस की सबसे गहरी परत है। तो यहाँ पर जो आप लेयर देख रहे हैं ये स्टेटम बेसल है। यह कॉलमनर किरेटिनोसाइट नाम की एक लेयर से, सेल की एक लेयर से मिलकर बना होता है, जो बेसमेंट पे जुड़ी हुई होती है, या एक बेसमेंट लेयर है और उसके ऊपर ये टिकी हुई है। यह परत डर्मिस और एपिडर्मिस के बीच एक बॉर्डर या बाउंड्री बनाती है। तो यहां पर इस पिक्चर में हम देख सकते हैं इजीली, यहां पर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहां पर ये एक लेयर है, इसे हम स्टेटम बेसल कहेंगे। तो इसके नीचे डर्मिस शुरू हो जाती है। उसे बोलते हैं स्टेटम स्पाइनोसम। स्टेटम स्पाइनोसम स्टेटम बेसल के ऊपर स्थित होता है और यह कई परतों से बना होता है। इस परत में जो केराटिनोसाइट्स हैं उनमें स्पाइन लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं बाहर की तरफ, इसलिए इसे हम स्टेटम स्पाइनोसम कहते हैं, और ये काफी टाइट होती हैं। इसी टाइटनेस के कारण हमारी स्किन को मजबूती और एक लचीलापन प्रदान होता है या मिलता है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेटम स्पाइनोसम की कई लेयर से मिलकर ये स्टेटम स्पाइनोसम बनता है। इसमें बहुत सारी केराटिनोसाइट्स होती हैं और बीच बीच में लैंगरहैंस सेल भी होती है। नेक्स्ट लेयर आती है स्टेटम ग्रेन्युलोसम। स्टेटम ग्रेन्युलोसम स्टेटम स्पाइनोसम के जस्ट ऊपर होती है और इसमें भी कई लेयर्स होती हैं, 3 से 5 लेयर्स हो सकती हैं। इसमें जो सेल्स होती हैं उनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसीलिए इसे हम स्टेटम ग्रेन्युलोसम कहते हैं। और ये जो ग्रेन्यूल्स हैं ये पानी प्रतिरोधी लिपिड से बनते हैं, इससे शरीर की जो स्किन है वो पानी से जो अपना वाटर लॉस है उससे बचाती है, ठीक है। तो एक प्रकार का प्रोटेक्शन प्रदान करती हैं वाटर लॉस से। इसी साथ ही ये जीवाणुओं की एंट्री भी हमारी बॉडी में होने से रोकती हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये है स्टेटम ग्रेन्युलोसम। इसके बाद जो इसके ऊपर जो लेयर आएगी वो है स्टेटम ल्यूसिडम। स्टेटम ल्यूसिडम में फ्लैट और डेड सेल्स होती हैं और उसकी 4-5 लेयर होती हैं। बट ये जो लेयर है ये शरीर के सभी हिस्सों में नहीं पाई जाती, केवल मोटी त्वचा वाले क्षेत्रों में ही ये पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए एडी में ये जो कोशिकाएं हैं उसमें कोई नाभिक नहीं होता, यानी न्यूक्लियस नहीं होता है, और ये कस कर पैक होती हैं जिससे वहां से फ्लूड लॉस जो है वो ना हो सके और एक मजबूत जो प्रोटेक्शन है वो मिल सके। तो आप ये देख सकते हैं स्टेटम ल्यूसिडम की ये लेयर है। इसके बाद आती है स्टेटम कॉर्नियम। यह एपिडर्मिस की सबसे बाहरी लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर है वो स्टेटम कॉर्नियम है, और इसमें डेड केराटिनोसाइट्स की लगभग 25 लेयर्स होती हैं, स्केल्स शल्कों की बनी होती है या स्केल्स की बनी होती हैं। यह परत प्रकाश, गर्मी और सूक्ष्म जीवों और रसायनों आदि से हमारी बॉडी की रक्षा करती हैं, और रगड़ लगने से ये गिरती रहती हैं और नई लेयर्स नीचे से आती रहती हैं। तो ये बताया गया है, ये स्टडी किया गया है कि लगभग 1 महीने में या 30 डेज में ये जो लेयर्स हैं एपिडर्मिस की सारी रिप्लेस हो जाती हैं और नई लेयर आ जाती है। अब आता है डर्मिस या स्किन का दूसरा पार्ट। जो एपिडर्मिस के नीचे की जो लेयर है उसे हम डर्मिस कहते हैं। डर्मिस मजबूत कनेक्टिव टिश्यूज से बना होता है जिसमें कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। फाइबर के बने हुए इस नेटवर्क के कारण ही हमारी जो त्वचा है उसमें एक लचीलापन और ताकत आती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ जिसको हम बोलते हैं। डर्मिस 2 लेयर से मिलकर बना है, एक पेपिलरी एस्पेक्ट होता है और दूसरा रेटिकुलर एस्पेक्ट होता है। पेपिलरी एस्पेक्ट डर्मिस को एपिडर्मिस से जोड़ता है, ऊपर वाली लेयर होती है, और इसी लेयर के कारण जो स्किन में जो निशान छोटी छोटी जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो बनते हैं। उसके नीचे का हिस्सा होता है रेटिकुलर एस्पेक्ट जो स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस लेयर तक जाता है। इसमें बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स उसमें होते हैं और वो एक नेटवर्क बनाते हैं। ये जो इलास्टिक फाइबर्स हैं ये वैसे तो लचीले होते हैं बट जब बहुत ज्यादा स्किन को खिंचाव मिलता है तो ये ब्रेक हो जाते हैं और परमानेंट धारियां स्किन के ऊपर आ जाती हैं, जैसा गर्भावस्था में या बहुत अधिक मोटापे में पेट के ऊपर देखी जाती हैं। डर्मिस में बहुत सारी संरचनाएं होती हैं जैसे रक्तवाहिकाएं, लिम्फ वेसल्स, नर्व एंडिंग्स, स्वीट ग्लैंड्स, हेयर्स, इरेक्टर पिलाई, मसल्स और सीबेसियस ग्लैंड्स। इनके क्या काम है हम देख लेते हैं कि करके। सबसे पहले स्वीट ग्लैंड्स या स्वेद ग्रंथियां जिन्हें हम कहते हैं, तो ये पूरी त्वचा में हर जगह होती हैं, सिर्फ हाथों की हथेलियों और जो पैरों की पगथली है, सोल है, उसको छोड़कर ये जो एपिथीलियल सेल्स हैं उनसे बनती हैं और इनसे जो स्वीट है या पसीना है वो निकलता है। तो ये एक प्रकार का एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है,
ये जो पसीना है ये मुख्य रूप से पानी से बना होता है, और जो थर्मोरेगुलेशन है उसमें और एक्सक्रीशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि उसके साथ अमोनिया यूरिया वगैरह भी शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। उसके बाद आते हैं हेयर्स या बाल। हथेलियों अंगुलियों की जो पामर सरफेस है वो और तलवों और उनकी जो अंगुलियां हैं उनको छोड़कर लगभग सभी जगहों पर ये छोटे 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 बाल मौजूद होते हैं। प्रत्येक बाल में एक जो शाफ्ट होती है जो मृत केराटिनाइज सेल्स की बनी होती है जो स्किन से बाहर निकली होती है। इसके अलावा इसका जो डीप हिस्सा होता है उसे हम रूट कहते हैं और ये एपिडर्मिस के अंदर स्थित होता है। रूट या जो जड़ है बालों की वो हिस्सा है जो स्किन के अंदर समाया हुआ है। इसमें रूट के चारों तरफ हेयर फोलिकल भी होता है जो रूट शीट, आउटर रूट शीट और इनर रूट शीट से मिलकर बना होता है। सीबेसियस ग्लैंड्स या जिन्हें हम तेल ग्रंथियां कहते हैं वो, और स्मूथ मसल्स जिसे हम इरेक्टर पिलाई बोलते हैं वो इन बालों के साथ जुड़ी होती हैं। ये जो ऑयल ग्लैंड्स या जो सीबेसियस ग्लैंड्स हैं ये सीक्रेटरी एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी होती हैं और एक ऑयली सब्सटेंस सीक्रेट करती हैं जिसे हम सीबम कहते हैं। यह स्किन को एक वाटर रेजिस्टेंट लेयर प्रदान करती है, उसके ऊपर बनाती है और बालों को चिकना रखती है। त्वचा पर जो वाटर रेजिस्टेंट लेयर बनाने के अलावा यह बैक्टीरियासाइडल भी है, फंगीसाइडल भी है। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये बॉडी को प्रोटेक्शन करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं सीबेसियस ग्लैंड्स। उसके बाद आता है इरेक्टर पिलाई। इरेक्टर पिलाई क्या है? ये छोटी छोटी स्मूथ मसल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होने पर बालों को खड़ा कर देती हैं, जिसे हम कहते हैं बाल रोंगटे खड़े हो जाना या गूज फ्लैश। तो वो किसके कारण होता है? इरेक्टर पिलाई के कारण होता है। और ये सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम जो नर्व एंडिंग्स हैं उनके रेस्पॉन्स से उत्पन्न होता है, स्पेशली जब कहीं डर होता है या बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम के रेस्पॉन्स में ये गूज फ्लैश या जो रोंगटे खड़े होने की जो स्थिति है वो बनती है। तो इसे हम देख सकते हैं कि ये जैसे एपिडर्मिस है और ये डर्मिस है, और ये जो हेयर फोलिकल है इसके पास में सीबेसियस ग्लैंड और ये इरेक्टर पिलाई, इस प्रकार की ये मसल होती है। इसके बाद आते हैं नेल्स या नाखून। नाखून एक टाइटली पैक्ड स्ट्रोंग डेड केराटिनाइज्ड एपिडर्मल सेल्स से मिलकर बनी होती है। एक प्रकार की ये प्लेट होती है जो स्किन जो फिंगर्स के एंड पर ऊपर की ओर होती है। प्रत्येक नेल में एक नेल बॉडी होती है, एक फ्री एंड होता है और नेल रूट होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये फ्री एंड है, ये बॉडी है और रूट होती है जो स्किन के अंदर यहां पर धंसी हुई होती है। नाखून की जो रूट है वो त्वचा में अंतर्निहित होती है, यानी यहां पर ये नेल रूट है जो स्किन के नीचे है। थोड़ा सा जो स्किन का पार्ट यहां पर इसके ऊपर आ जाता है उसे हम क्यूटिकल कहते हैं। ये नेल प्लेट होती है और ये आगे फ्री एंड है, और इसके नेल प्लेट के नीचे जो पार्ट है उसे हम नेल बेड कहते हैं। लास्ट जो पोर्शन है इस चैप्टर का वो है फंक्शंस ऑफ स्किन। कई बार ये एग्जाम में आ सकते हैं अलग से। तो त्वचा के कार्यों में शामिल होता है सेंसेशन या संवेदनाएं, थर्मोरेगुलेशन या टेम्परेचर को नियंत्रित करना, प्रोटेक्शन शरीर की रक्षा करना, एक्सक्रीशन और एब्जॉर्प्शन तथा विटामिन डी का संश्लेषण। इनको हम एक एक करके स्टडी कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले सेंसेशन। तो त्वचा पर बहुत सारी रिसेप्टर्स होते हैं और वहाँ नर्व एंडिंग्स भी होती हैं डर्मिस के अंदर। तो कोई भी टेम्परेचर या जो टच है उसको रिसीव करके और ब्रेन तक पहुंचा दिया जाता है जिसे हम इनको सेंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। नेक्स्ट है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन के माध्यम से जो होम्योस्टेसिस का निर्माण होता है, यानी एक निश्चित टेम्परेचर बनाए रखा जाता है, जिससे
और ये डिपेंड करता है कि कितना ब्लड हमारे जस्ट स्किन के नीचे फ्लो हो रहा है। यदि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो त्वचा के नीचे जो कैपिलरीज है उनमें ज्यादा ब्लड आएगा और हीट लॉस तेजी से होगा ताकि टेम्परेचर को कम करने में मदद मिल सके। तो थर्मोरेगुलेशन भी एक बहुत बड़ा कार्य है त्वचा का। इसके बाद आता है प्रोटेक्शन। ये तो बहुत सब जानते हैं, सबसे ज्यादा जो हमारे शरीर की प्रोटेक्शन है वो स्किन से ही है। एक प्रकार का एक मजबूत किला हमारी शरीर की चारों तरफ ये बनाती है जिससे बैक्टीरिया या जो वायरसेस हैं वो डायरेक्ट एंटर ना कर पाए। इसके अलावा गर्मी सर्दी इन सब से रक्षा करने का काम स्किन करती है। नेक्स्ट फंक्शन है एक्सक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। जैसे एक्सक्रीशन जो अमोनिया यूरिया इनका एक्सक्रीशन पसीने के माध्यम से हो जाता है, तो एक कार्य ये हो गया। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन का कार्य भी करता है। बहुत सारे जो ऑयल्स और जो ऑयल बेस्ड जो विटामिन होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन उनको स्किन एब्जॉर्ब कर सकती है। इसके अलावा कुछ हानिकारक पदार्थ जैसे टॉक्सिक टॉक्सिन्स भी त्वचा के द्वारा एब्जॉर्ब हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कार्य है त्वचा का सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का जो संश्लेषण है वो स्किन में स्थित प्रीकर्सर्स के कारण होता है। हमारे स्किन में 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल नाम के लिपिड्स होते हैं और इनके ऊपर स्किन के ऊपर जब अल्ट्रावायलेट रेज सनलाइट पड़ती है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं और विटामिन डी का जो सिंथेसिस है वो शुरू हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि विटामिन डी के लिए सनलाइट बहुत आवश्यक है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं और नोट्स बनाने के लिए विजिट करना ना भूलें mynursingstudents.blogspot.com। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।